वहीं शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने की वजह से कोहराम मच गया। सीवान जिले में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जिले की 2 अलग अलग जगहों पर हुई, जिसमें मागड़ और कौड़िया पंचायत में जहरीली शराब पीने से कुल 6 लोगों की मौत की खबर है। जहरीली शराब से मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में डीएम से लेकर एसपी तक सभी जिला अस्पताल और गाँव में पीड़ित परिवारों से मिलते नजर आए। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 चौकीदारों को निलंबित कर दिया है, जबकि भगवानपुर के थाना अध्यक्ष और एक दारोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही एक आबकारी विभाग के दारोगा के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज और भगवानपुर प्रखंड के सभी पदाधिकारियों की टीम बनाकर माघर और कौड़िया पंचायत हम लोगों ने भेजा। साथ में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस भी भेजे गए। वहां से अभी तक कुल 15 लोग सदर अस्पताल लाए गए हैं। हम लोग जो 3 जगह पे जो घटना हुई है वहां पे हम लोग गए, वहां पे हम लोगों ने वहां के चौकीदार, 2 चौकीदार हैं उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में स्थानीय थाना प्रभारी और मद्य निषेध का थाना महाराजगंज पड़ता है, जिसके क्षेत्र में यह जगह पड़ता है, वहाँ पे भी हमारे एसआई और एसआई पोस्टेड हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें यदि संलिप्त होंगे, यदि घटना यदि यह शराब के कारण हुई और तो उसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिवान शराब कांड पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान भी सामने आया। डिप्टी सीएम ने शराब बेचने वाले माफिया और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जहरीली शराब पर जो भी मौत होगी सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगा और ऐसे लोग पर एनडीए की सरकार में दबिश बनी है और कहीं से कोई शिकायत आएगा तो ये माफिया और ये अफसर दोनों नपेंगे।